नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट विचार्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन है बीकाजी फूड का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि प्राइस क्या कैरेक्टर है, कि प्राइस ऑलवेज एक चैनल को फॉलो करता है। प्राइस अगर ऊपर जाएगा एक अप ट्रेंड चैनल, प्राइस अगर नीचे आएगा एक डाउन ट्रेंड चैनल, अगर प्राइस कंसोलिडेशन करता है तो एक फ्लावर चैनल के अंदर कंसोलिडेशन करता है। एग्जैक्ट देखिए, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे लिस्ट होने के बाद यहाँ पे इस अप ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है। इस चैनल का अपर बाउंड्री के आसपास जब भी प्राइस जा रहा है, प्राइस को देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है और लोअर बाउंड्री से मल्टीपल टाइम यहाँ पे डिमांड देखने को मिला है। एंड जब भी प्राइस एक राइजिंग चैनल को फॉलो कर रहा होगा, चैनल का अपर बाउंड्री सबसे हाई रिस्क जोन एंड चैनल का लोअर बाउंड्री सबसे लोअर रिस्क जोन। अगर आप प्रीवियसली देखेंगे ना, प्राइस के लिए ए लेवल था एक मेजर रेजिस्टेंस, जिस लेवल को प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया, जो कि लेवल था नियरली 445 के आसपास। एंड ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से एक नया अप ट्रेंड यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। एंड अगर आप देखेंगे ना, प्राइस अभी उसका एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस में करेक्शन देखने को मिल सकता है। बिकॉज देखिए, प्राइस में यहाँ पे वीकली चार्ट में क्लियर कट एक एमएसडी का डाइवर्जेंस शो कर रहा है। एंड प्राइस जाकर देखिए उसके लाइफ हाई को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, लेकिन एमएसडी यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए रेडी नहीं है। तो यहाँ पे एमएसडी का डाइवर्जेंस है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्राइस में यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल सकता है। जब भी प्राइस लाइफ हाई को ब्रेक कर रहा होगा और वहाँ पे एमएसडी नहीं तो आरएसआई का डाइवर्जेंस शो कर रहा होगा, उसी ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री आपको नहीं करना है। इसी केस में आपको फॉलो करना है इस राइजिंग चैनल का लोअर बाउंड्री, जो कि लेवल बन रहा है नियरली 530 के आसपास। अगर आगे आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे पुल बैक करके 530, जो कि उसका मेजर सपोर्ट है, जो कि इस चैनल का एक ट्रेंड लाइन जैसा काम कर रहा है, इस लेवल के ऊपर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक में FII कंटिन्यूअसली शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री करना है। आपके लिए एंट्री करने के लिए जो लोअर जोन बन रहा है वो बन रहा है, ये जो चैनल चल रहा है उसका लोअर बाउंड्री, जो कि लेवल बन रहा है 530 का। तो आप इस लेवल को वेट कर सकते हैं फॉर फ्रेश एंट्री। अभी हम चलते हैं इसका फंडामेंटल थोड़ा चेक कर लेते हैं। अगर आप स्टॉक का मार्केट कैप देखेंगे अराउंड 14,869 करोड़ का, कंपनी के पास रिजर्व कैश है 1,200 करोड़ का, डेप्ट इक्विटी 0.11 है, जो कि मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक का डेप्ट इक्विटी बिलो 1 आप उसको मैनेजेबल कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर इसका नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे, तो देखिए दिसंबर 2023 क्वार्टर में था 49 करोड़ का प्रॉफिट, और यहाँ पे जंप करके हो गया है नेट प्रॉफिट 116 करोड़ का। प्रॉफिट में यहाँ पे जबरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देखिए, प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 75.1%, जो कि अबव 50% मार्क है, एक स्ट्रांग होल्डिंग है। FII यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किए हैं, DI शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहे 13.51%, एंड रिटेल यहाँ पे शेयर होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं ओनली 3.72%। तो मेजोरिटी होल्डिंग यहाँ पे जो है लगभग 96% होल्डिंग है बिग इन्वेस्टर के पास है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बस स्टॉक का प्राइस जब मेजर सपोर्ट के आसपास आ जाएगा 350 के आसपास, एक लो रिस्क जोन बन सकता है, उसी हिसाब से आपका क्वांटिटी एंड रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।